रायपुर में छत्तीसगढ़ साहित्य सम्मेलन चल रहा है और यहाँ किताबों की जो स्टॉल लगे हैं इनमें काफ़ी तादाद में किताबें हैं और कुछ किताबें ऐसी हैं जो लोगों को काफ़ी आकर्षित भी कर रही हैं। जैसे कि आप ये किताबें देख सकते हैं जिसमें रेत है, वंचना है, भगवान दास मोरवाल जी की ये किताबें हैं और किताबों को लेकर जिस प्रकार से यहाँ पर क्राउड आ भी रहा है और आप यहाँ पर आए, आपकी किताबें यहाँ पर हैं, लेकिन इस वक्त जब पढ़ने लिखने की आदत लोगों में लगभग कम हो रही है और देश में काफ़ी मुद्दों पर बहस केवल व्हाट्सएप और फेसबुक पर चलता है, कितना मुश्किल वक्त मानते हैं साहित्य के हिसाब से, देश के हालात के हिसाब से? देखिए, इसमें आपके दो सवाल हैं। पहला, आपने कहा कि किताबों के प्रति लोगों का की जो पढ़ने की रुचि यानी जो उनका आकर्षण है वो कम है। मैं ऐसा नहीं मानता। आकर्षण हमेशा से पुस्तकों के प्रति रहा है और रहेगा, क्योंकि शब्द कभी मरते नहीं हैं, शब्दों की कोई उम्र नहीं होती, वो अनंत काल तक जीवित रहते हैं। इस प्रकार से CA और NRC को लेकर देश के लोग सड़कों पर हैं, काफ़ी दुष्परिणाम तो देखने को मिल ही गए हैं जब सांप्रदायिक तौर पर लोगों में काफ़ी नाराज़गी है। अब आप जिस प्रकार से साहित्यकार इस वक्त दौर में मंथन कर रहे होंगे, तो क्या मानते हैं कि आने वाले समय में कि जो इतिहास और जन आंदोलनों से जुड़ा हुआ जो साहित्य सामने आएगा उसमें शाहीन बाग का जिक्र काफ़ी ऊपर होगा? देखिए, मैं इसका एक उदाहरण देता हूँ। मेरा एक उपन्यास है नरक मसीहा। ये उपन्यास भारत में तेजी से पनपती NGO संस्कृति की गाथा है। यानी अगर आपने देखा होगा इससे पहले शाहीन बाग और जो दूसरे छोटे शहरों में जिस तरह आंदोलन हो रहे हैं, लोग रात रात पूरी पूरी रात आंदोलन कर रहे हैं, क्या आपने, आपको ऐसा नहीं लगा कि आज से पिछले 15 सालों में इस तरह का एक भी जन आंदोलन नहीं हुआ था? कहना चाहिए कि हमारे यहाँ लगभग जन आंदोलन की परंपरा खत्म सी हो चुकी थी। तो आज अचानक ऐसा क्या है कि एक काली एक शाहीन बाग एक ऐसा प्रतीक बन गया है जन आंदोलनों का? लेकिन ये दुर्भाग्य है कि इस तरह के जो शाहीन बाग का और इस तरह के जो आंदोलन जन आंदोलन खड़े हो रहे उनको बिल्कुल जिस तरह से सांप्रदायिक रूप दे दिया गया है, एक धर्म विशेष और समुदाय के लोगों का उसको इन आंदोलनों को कर दिया, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। जबकि ये जो आंदोलन चल रहा है इस वक्त ये किसी समुदाय विशेष के खिलाफ नहीं है, ये एक आम आदमी की चिंता है। तो जिस प्रकार से देश में आंदोलनों का इतिहास रहा है, सभ्यता और संस्कृति आहिस्ता आहिस्ता अपने कदम आगे बढ़ाती है, ठीक उसी प्रकार से अगर देश में जन आंदोलनों की सभ्यता अभी भी जीवित है शाहीन बाग के जरिए, तो ये बात संकेत भी है कि इस दौर में साहित्यकारों की नज़र से शाहीन बाग और तमाम जन आंदोलनों से जुड़ा हुआ साहित्य भी भविष्य में आकार ज़रूर लेगा। स्वराज एक्सप्रेस के लिए रायपुर से धीरेंद्र गिरी गोस्वामी।